हमें प्लेस से देखने को मिल गया। तो और अंदर का सीन देखिए, कुछ इस तरीके से प्रार्थनाएं चल रहा है। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ और मैं यही कह सकता हूँ कि इसे लाइक हम लोग कहते हैं पीटी सो कहते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। एक फ्रेश तरोताजा एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और ये जो वीडियो शूट हो रहा है तवांग में शूट हो रहा है। अच्छा दोस्तों, हम कल यहीं पे रुके थे। कल जो दिरांग है वहां से लगभग 6 बजे हम आ पहुंचे थे तवांग, एंड उसके बाद हम यहाँ पे स्टे किए थे एक होटल में और इस रूम पे मैं अकेला था। इसके अलावा और दो रूम हमने लिए थे जहाँ पे हम 4 लोग वहां पे रहे थे, एंड इस वाले रूम पे मैं था। एंड हम आज जो पूरा तवांग है इसे कवर करेंगे, जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, काफी सारा यहाँ पे हमें प्लेसेस देखने को मिल जाता है। तो बाहर क्या कुछ सीन होता है वहां पे दिखाएंगे। अब हमें फिलहाल बाहर जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि इस वाले होटल का जो कुक है वो फिलहाल नहीं है। तो हम बाहर जाके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। कल रात को काफी सारा यहाँ पे प्लेसेस है तवांग में, हमने रात घूमा, उसके बाद 10 बजे यहाँ पे आ पहुंचे थे, एंड उसके बाद यहाँ पे रात मस्त तरीके से सोए थे। एंड बाहर का जो सीन है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बारिश हो रखा है, एंड बाहर बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव मौसम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर, एंड बाहर ब्रेकफास्ट करके जो तवांग का यहाँ पे बढ़िया बढ़िया प्लेसेस है उन सभी प्लेसेस को देखते हैं। एंड यहाँ पे चेक करें, हम रेडी हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, एंड यहाँ पे जो बैग है सब ले लिया है अपने बैग में। अब यहाँ से निकलेंगे एंड पूरा जर्नी आज और कल होगा तवांग का। तो फाइनल गाइस यहाँ से निकलने वाले हैं, एंड फिलहाल बिल पे करेंगे हम, और चलिए यहाँ से निकलते हैं। एंड 3 रूम यहाँ पे कल हमने लिया था, लगभग 6000 इसका बिल हो गया था। यहाँ पे करते हैं एंड उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही बाहर निकला, ये बढ़िया मौसम यहाँ पे बाहर नजर आ रहा है और ये लोग भी रेडी है, ये देखिए। और यही था वो होटल जहाँ हम रुके थे। एंड यहाँ पे जैसे ही होटल से बाहर निकले, यहाँ पे एक जगह हम रुके, यहाँ पे एक सामने मंदिर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बुद्धिस्ट मंदिर। एंड यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा हमें प्लेस देखने को मिल गया। तो यहाँ पे हम रुके, एंड ये आई लव तवांग यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से बाहर का जो व्यू है तवांग का, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया यहाँ पे नजारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो ये। और बाहर में आने के बाद कुछ इस तरीके से सीन देख के मज़ा ही आ गया। काफ़ी यहाँ पे अच्छी मिट्टी सी यहाँ पे हवाएं चल रहा है और बढ़िया यहाँ पे मौसम आज है। और सामने यहाँ पे एक बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे कौन सी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ हम जाके यहाँ पे घूम सकते हैं, ये सभी यहाँ पे है, ये देखिए। तो गाइस यहाँ पे हम फिलहाल है तवांग मोनेस्ट्री के अंदर। जा दोस्तों, ये खूबसूरत मोनेस्ट्री यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ये मोनेस्ट्री। एंड सामने यहाँ पे देखिए म्यूजियम है मोनेस्ट्री के अंदर, और ये एशिया का सेकंड बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे सुबह लगभग 9 बजे हम आके पहुँच गए हैं इसके अंदर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे प्रार्थनाएं चल रहा है, पूजा पाठ सुबह सुबह यहाँ पे चल रहा है। तो अब हम जो मोनेस्ट्री है इसके अंदर गए थे, तो यहाँ पे पूजा पाठ ये सब चल रहा है। मॉर्निंग सुबह हम लगभग 9 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा इस मोनेस्ट्री के बारे में, जो तवांग मोनेस्ट्री है, इसके बारे में जानेंगे। और अंदर का सीन देखिए, कुछ इस तरीके से प्रार्थनाएं चल रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे
कुछ स्टूडेंट के साथ हूँ जो आप लोग क्या बोलते हैं मॉन्क। तो ये मॉन्क आप लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हो ना, तो ये जो मोनेस्ट्री है कितना साल पुराना है? 16 कितना लगभग मैंने सुना है कि 300 साल पुराना है शायद। हाँ, तो लगभग 300 साल पुराना। आप लोग यहाँ पे 24 घंटे रहते हो क्या? थोड़ा अगर घर में छुट्टी हो जाता है तब घर पे चले जाते हो? खाना यहाँ पे सब कुछ फ्री भी मिलता है, हाँ, मोनेस्ट्री की तरफ से दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे फिलहाल प्रेयर पे हो मॉर्निंग मॉर्निंग, कितना बार प्रेयर होता है? हर रोज होता है। इसके बाद जो हमारा किताबें है वो पढ़ते हो, इंग्लिश हिंदी ये सब पढ़ाया जाता है क्या? बेसिकली यहाँ पे टीचर लोग भी रहते हैं। तो फिलहाल हमने इन सब से जाना कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होता है या फिर क्या कुछ यहाँ पे होता है। आप लोग यही ड्रेस में पूरा दिन रहते हो क्या? हर रोज यही ड्रेस। जब घर पे जाते हो तो सेम ड्रेस रहता है या चेंज कर लेता हूँ? यही पहन के जाता है, उसके बाद चेंज नहीं करते हो? पड़ता है। तो ये जो मॉन्क ये छोड़ देते हैं या रहते हैं? रहते हैं। तो बेसिकली काफ़ी कुछ यहाँ पे जाना और बढ़िया लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। मोनेस्ट्री को हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे रुका, लगभग एक डेढ़ घंटे तक यहाँ पे पूरा विजिट का पूरा एरिया को, उसके बाद चलिए अब बाहर निकलते हैं। और ये जो तवांग मोनेस्ट्री है वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर मोनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश में, और इसे बनाया है गेमस्टो ने 1680 से लेकर 1681 के बीच में। और यहाँ पे देखिए सुबह का 9:30 हो चुका है और हमने मॉर्निंग से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। गाइस यहाँ पे हमने ओल्ड तवांग ये पूरा मार्केट है ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, मैं और मेरे साथ मून है। अब थोड़ा सा यहाँ पे शॉपिंग करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे। अब चलिए यहाँ पे एक बैग शॉप है वहाँ पे चलते हैं। और जो तवांग शहर में जो कुछ यहाँ पे है मोनेस्ट्री हो या फिर अच्छे अच्छे जगह है या फिर हम बात करें सबसे बड़े बड़े स्टेचू, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमने देखा है एंड उसके बाद यहाँ से फिलहाल जा रहे हैं। और अब हम जाएंगे जो यहाँ पे प्रीटिशो एक लेक है वो देखेंगे, माधुरी लेक, जहाँ पे माधुरी जी ने कोयला फिल्म में एक गाना शूट किया था, माधुरी लेक फिलहाल इसे कहा जाता है एंड इसका नाम सिंग स्टार है, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद बुमला पास जो यहाँ पे पड़ता है चाइना और इंडिया का बॉर्डर, वहाँ तक जाएंगे गाइज। तो आज का जर्नी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो आप इस ब्लॉग पे बने रहिएगा। फिलहाल हम तवांग जो शहर है इससे निकल चुके हैं एंड सामने जा रहे हैं और यहाँ पे सामने हम जाएंगे असम हिल्स, उसके बाद में यहाँ पे जीरो लाइन जहाँ पे पड़ता है बुमला पास वहां तक जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे और एक बढ़िया सा लेक है वहां पे भी जाएंगे। लेकिन काफी सारा यहाँ पे लोकेशन है जहाँ पे हम फोटोज वीडियोज नहीं बना पाएंगे, जैसे कि बुमला पास में अगर जाते हैं तो वहां पे फोटोज खींचना या फिर आपको यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड एरिया है फोटोज वीडियोज के लिए। फिर भी मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे जाते हैं और क्या कुछ सीन है वहां पे होता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और गाइज जिस लोकेशन से हम जा रहे हैं, जिस रोड से जा रहे हैं, ये जो रोड है चाइना के पास ही है, चाइना बॉर्डर के पास ये पूरा लोकेशन पड़ता है। बहुत ही मस्त यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है। और गाइज बाहर का सीन देखिए कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। गाइज फाइनली यहाँ पे एक बढ़िया जगह रुके हैं हम, और ये जो लेक है भैया इसका नाम क्या है? पीटीशो। अभी फॉग काफी कम हुआ है एंड सामने का विजिबिलिटी देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे लेक नजर आ रहा है। भैया कुछ बोलेंगे इस लेक के बारे में? ये लेक हम नीचे साउथ और ये नॉर्थ साइड में, तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ और मैं यही कह सकता हूँ कि इसे लाइक हम लोग कहता है पीटीशो कहता है, तो मतलब हम लोग का लाइक भाषा में लेक कहता है, लेक कहते हैं। तो अभी इसके अलावा आप लोग और भी ऊपर जाएंगे तो आप लोग को मिलेंगे माधुरी लेक जहाँ पे कोयला फिल्म का शूटिंग हुआ था, माधुरी दीक्षित जहाँ पे विजिट किया था। हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे। और क्या कुछ यहाँ पे आगे सीन देखने को मिलेगा? और इससे आगे जाएगा तो और वाई जंक्शन आएगा, उसके बाद माधुरी लेक, और उसके बाद आप लोग मिलेगा बुमला पास जहाँ आप लोग लाइक दैट्स द चाइना बॉर्डर, मेन चाइना बॉर्डर जहाँ का लाइक जहाँ चाइना और इंडिया का सेपरेशन होता है हम लोग का वो तवांग का साइड से। हाँ। जो मेन बॉर्डर वहीं पे है, उससे आगे आप जाएंगे तो पूरा लाइक चाइना का लैंड आता है, बुमला पास से आगे जाएगा। तो ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ इन लोगों से
मिलकर काफी अच्छा लगा। फोटो सेशन करेंगे और बढ़िया लेक, ये नजारा देखिए कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, बढ़िया है, काफी अट्रैक्टिव ये प्लेस है। लेक का व्यू देखिए क्या खूबसूरत लेक है। हमने अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें बुमला पास देखने को मिलता है और वहाँ पे तो वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे बारिश भी हो रखा है एंड काफी यहाँ पे मौसम बढ़िया है और ये सब सीन देख के डेफिनेटली फ्रेश फ्रेश तरोताजा लग रहा है, क्योंकि सुबह हमने लगभग 9:30 बजे शुरू कर दिया था हमारा जो तावांग से पूरा ये जो एरिया है चाइना बॉर्डर के आसपास हम घूम रहे हैं फिलहाल एंड बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आके और यहाँ पे कुछ अरुणाचल के लोग से यहाँ पे मिले, बढ़िया यहाँ पे हमें इन लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स मिला। मैं एक बात आप सबको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं अरुणाचल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे लोग है, कुछ भी पूछो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं वो लोग, किसी से भी कुछ भी आप जानना चाहते हो बढ़िया तरीके से ये लोग समझाते हैं एंड खास करके लोग बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बिहेव करते हैं, तो ये सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब फिलहाल ये जो पूरा एरिया है इसे कवर करने की कोशिश कर रहे है क्योंकि यहाँ पे पूरा जो ये लेक है ये घूम रहे है। उसके बाद हम जाएंगे माधुरी लेक सामने, जो यहाँ पे माधुरी ने शूट किया था पूरा एक बढ़िया सा वहां पे सीन देखने को मिलेगा माधुरी लेक, तो यहाँ पे चलिए इसे कवर कर लेते हैं। सामने यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज से होकर पूरा एरिया यहाँ पे घूमेंगे एंड उसके बाद यहाँ से आगे का जाने शुरू कर देंगे। तो गाइस अब फिलहाल यहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर हूँ और ये जो पूरा एरिया है, मुन आप इस एरिया को दिखाओ बढ़िया तरीके से, यहाँ पे हमें बहुत ही खूबसूरत एरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो रिवर है इसका पानी कहाँ से आ रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऊपर से यहाँ पर पहाड़ से कुछ इस तरीके से वाटरफॉल है और ये इसके जरिए ये पूरा लेक भरता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड हमें महसूस हो रहा है, लगभग 10 डिग्री के आसपास यहाँ पे ठंड है। तो यहाँ पे हम चलते चलते जा रहे हैं, पूरा एरिया को कवर किया, काफी लगभग 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया है, ये लेक है, लेकिन हमने लगभग 2 किलोमीटर कवर किया है। सुबह सुबह यहाँ पे वॉकिंग भी हो गया हमारा और ये लेक भी खूब, इस लेक का जो खूबसूरती है वो अभी हमें यहाँ पे देखने को मिला।